हेलो दोस्तों, आप कैसे हो। मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक रहे और हैप्पी रहोगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्लैटी फिश के साथ हम लोग कौन से एक्वेरियम फिशेस रख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में ऐसे में कुछ आपको 20 एक्वेरियम फिशेस बताने वाला हो जो आप प्लैटी फिश के साथ आप आराम से रख सकते हो, आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों, यहाँ पे वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है तो उसको प्रेस कर दीजिए। ऐसे ही नए नए वीडियोस इस चैनल पर लाते रहता हूं, वो भी हिंदी में। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैं पहले में 3 एक्वेरियम फिशेस बताने वाला हूँ जो कि हम लोग कॉमनली प्लैटी फिशेस के साथ हम लोग रख सकते हैं किसी भी प्रकार की दिक्कत के बिना। तो दोस्तों, पहला है मॉली फिश। मॉली फिश आप रख सकते हो प्लैटी फिशेस के साथ, कोई भी आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। उसके साथ आप सॉटेल फिश रख सकते हो। सॉटेल फिश और प्लैटी फिश एक साथ रखोगे, कोई भी किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद आप गप्पी फिशेस रख सकते हो। कप्पी फिश में मेल भी रख सकते हो, फीमेल भी रख सकते हो प्लैटी फिश के साथ, तो कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। ये तीनों जो मैंने आपको एक्वेरियम फिशेस बताए, लाइव बेरर कैटेगरी के आते हैं। लाइव बेरर मीन्स कि जो एक्वेरियम जो फिश है वो एग्स देने के बदले डायरेक्टली आपके एक्वेरियम में बेबीज देते हैं, तो उसे लाइव बेरर फिशेज बोला जाता है। तो ये तीनों लाइव बेरर फिशेज आप प्लैटी फिश के साथ आप रख सकते हो। उसके बाद दोस्तों, जो 4 जो है टैंगमेट्स, वो है कोरिडोरस कैटफिश। कोरिडोरस कैटफिश आप प्लेटी फिश के साथ आप आराम से ऐड कर सकते हो। कोरिडोरस कैटफिश एक बॉटम डोलर फिश है, एक नीचे एक्वेरियम में रहने वाली फिश है, तो आप आराम से रख सकते हो प्लेटी फिश के साथ, आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद जो मेरे जो 5th टैंगमेट्स है वो है चेरी बाप। तो दोस्तों, चेरी बाप आप रख सकते हो प्लेटी फिश के साथ, आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। चेरी बाप एक स्कूलिंग फिश है और उसके साथ बहुत ही एक हार्डी फिश है। तो स्कूलिंग फिश मतलब आपको ध्यान में रखने का है कि चेरी बाप के आपको जो क्वांटिटीज है वो आपके एक्वेरियम में प्लैटी फिश के साथ मिनिमम 6 क्वांटिटी आपको ऐड करने के है, तो एक्वेरियम जो है जो चेरी बाप फिश है वो अच्छी से रहेगी आपके प्लैटी फिशेस के साथ किसी भी दिक्कत के बिना। बाद में जो एक्वेरियम फिश है वो ब्रिस्टल नोज प्लेको। तो ब्रिस्टल नोज प्लेको आप रख सकते हो प्लैटी फिशेस के साथ, आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। ब्रिस्टल नोज प्लेको रहेगा बॉटम में रहेगा, प्लैटी फिशेस रहेंगे मिड और अप लेवल पे रहेंगे, तो आपको किसी भी प्रकार की दोनों एक्वेरियम फिशेस में कोई भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। बाद में जो टैंगमेट्स है वो है नियॉन टेट्रा कार्डिनेटेट्रा। नियॉन टेट्रा कार्डिनेटेट्रा एक स्कूलिंग फिश है, तो आपको ध्यान में रखने का है कि दोनों भी आप एक्वेरियम फिशेस जब भी आप ऐड करोगे प्लैटी फिशेस के साथ, तो प्लीज़ आप ध्यान में रखो, आपको ये फिशेस पेयर में नहीं खरीदने का है, आपको मिनिमम 6 क्वांटिटी में आपको लेने का है। इससे ये होगा कि स्कूल इनका ये बना रहेगा और ये जो नियॉन टेट्रा कार्डिनेटेट्रा है फिश स्ट्रेस में नहीं आएगी और जल्दी से नहीं मरेगी, आपके प्लैटी फिशेस के साथ एक अच्छी से रहेगी बहुत ही ज़्यादा लंबे समय तक, तो ये बात है ध्यान में रखना। बाद में दोस्तों, और जो टेट्रा फिशेस की वैरायटी है वो है ब्लैक स्कट टेट्रा, रमिनोस टेट्रा। तो ये दोनों भी फिशेज आप प्लैटी फिशेस के साथ आप रख सकते हो किसी भी दिक्कत के बिना, बट यही आपको रूल है फॉलो करने का है कि आपको 6 क्वांटिटी है वो मिनिमम आपके एक्वेरियम फिशेस में प्लैटी फिशेस के साथ इनके ऐड करने के है। बाद में दोस्तों, यहाँ पे मैं गोरामी फिशेस की जो 4 वेराइटी है वो आगे जाके मैं ऐड करने को जा रहा हूँ। गोरामी फिशेस में आप पल गोरामी रख सकते हो, हनी गोरामी रख सकते हो, गोल्ड गोरामी रख सकते हो, 3 स्पॉट्स आप गोरामी रख सकते हो, अपलाइन गोरामी आप रख सकते हो। तो ये सारे गोरामी फिशेज आप प्लैटी फिशेज के साथ रख सकते हो किसी भी दिक्कत के बिना। दोस्तों, ये ध्यान में रखना कि गोरामी फिश एक हंटर रहते हैं, मतलब हंट करते हैं प्लैटी फिश के बेबीज़ का, और उनको कहाँ पे भी अगर बेबीज़ दिखे तो सीधा हो जाके खाएंगे, तो आपको ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इस जब भी प्लैटी फिश में जो फीमेल है वो जब भी बेबीज देने वाली रहेगी तो उसको आप साइड में निकाले, उसको बेबीज देने को दे, उसके बाद फिर से आप टैंक में उसको इंट्रोड्यूस करें। पर ये रूल्स आपको कभी अप्लाई करने का है जब भी आप प्लैटी फिशेस के बेबीज चाहते हो। तो अगर आपको नई बेबीज चाहिए, फीमेल को आप बेबीज देने को दीजिए टैंक में, तो कुछ सर्वाइव करेगी, कुछ गोरामी फिशेस खाएगी। बाद में दोस्तों, यहाँ पे मैं बेटा फिशेस के बारे में बात करता हूँ। बेटा फिशेस आप ऐड कर सकते हो प्लैटी फिशेस के साथ। अगर आपको क्वांटिटी है बहुत सारा ऐड करने का बेटा फिशेस का, तो आप फीमेल को प्लैटी फिशेस के साथ आप रख सकते हो,
तो तीन चार फीमेल को आप प्लेटी फिशेस के साथ आप ऐड कर सकते हो किसी भी दिक्कत के बिना। अगर आपको मेल ऐड करने का है तो आपको जस्ट ओनली सिर्फ एक क्वांटिटी में मेल ही ऐड करना पड़ेगा। तो मेल आपके प्लेटी फिशेस के साथ अच्छे से रहेगा कि आप दो मेल एक टैंक में नहीं रख सकते हो, बहुत सारे इश्यूज आते हैं। तो कोई भी एक्चुअली ऐसे कोई भी गलती नहीं करता है कि दो से तीन मेल्स एक टैंक में डाल दिए हैं, क्योंकि उनका एग्रेशन लेवल आपको भी पता है बेटा फिशेस का कैसे रहता है। प्लेटी फिशेस के साथ बहुत सारे फीमेल्स ऐड कर सकते हो, बट प्लेटी फिशेस के साथ आप सिर्फ एक जो है वो मेल ऐड कर सकते हो बेटा फिश का। बाद में दोस्तों यहाँ पे जो डायनोज जो फिश है वो मैं यहाँ पे मैं ऐड करने को जा रहा हूँ। डायनोज फिशेस में आपको 6 से 7 क्वांटिटीज आपको ऐड करने का है प्लेटी फिशेस के साथ, क्योंकि ये भी एक शोलिंग फिश है। तो ग्रुप में रहने वाली फिशेस रहती है तो उनको ऐसे लार्ज क्वांटिटी में ऐड किया जाता है, नहीं तो स्ट्रेस जैसे फील करती है। बाद में दोस्तों आप एक्वेरियम श्रिम्प्स आप ऐड कर सकते हो प्लेटी फिशेस के साथ किसी भी दिक्कत के बिना। उसके बाद दोस्तों आप एक्वेरियम आप स्नेल्स ऐड कर सकते हो किसी भी दिक्कत के बिना प्लेटी फिशेस के साथ। बाद में दोस्तों हार्लिकॉन रासबोरा एक स्कूलिंग फिश है, वो भी आप प्लेटी फिशेस के साथ आप ऐड कर सकते हो किसी भी दिक्कत के बिना। आपको प्लेटी फिशेस के साथ जो हार्लिकॉन रासबोरा रहेगी आपको 6 से 8 क्वान्टिटी ही ऐड करने का है। ग्रुप में रहेगी तो हार्लिकॉन रासबोरा लोनली फील नहीं करेगी। तो ये जो मेरे कुछ थे 20 एक्वेरियम फिशेस थे जो आप प्लेटी फिशेस के साथ आप आराम से रख सकते हो किसी भी दिक्कत के बिना, आप रख सकते हो कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो दोस्तों ये जो मेरा एक वीडियो था प्लेटी फिश के टैंक मेट्स के ऊपर था, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा, हेल्पफुल लगा रहेगा तो कुछ इंटरेस्टिंग और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक दोस्तों टेक केयर एवरीवन एंड बाय।